बीच में हैं बड़े भाई माननीय श्री राजा बुंदेला, माननीय बड़े भाई श्री राम बुंदेला जी। दाउसा कैसा लगा था आप फेस्टिवल में आ, तो कितने साल से आ रहे हैं आप? या तो बाद में बता दें, पहले तो हम इनको परिचय दे दें। जी हमारे भैया हैं, प्यारे भाई आदरणीय विराज तिवारी जी, और कई साल से हमारा रिश्ता है और इसी तरह चला आ रहा है रिश्ता, और इनके उज्जवल भविष्य की हम शुभकामनाएं देते हैं। हाँ आप कहो। दाउसा फेस्टिवल में आप भी कई साल से आ रहे, तो दाउसा कैसो का आपको इतने साल को फेस्टिवल को अनुभव का रहा हुआ? बेहतर वो का भाई फेस्टिवल में देख कर लगा दे आगे क्या भविष्य रहेगा फेस्टिवल को, कुछ दाउसा बताएं। देखिए जब ये फेस्टिवल शुरू हुआ था तो राजा भाई साहब की एक बात मैं शायद हमारे दर्शकों को पता ना होए कि हमने राजा भाई साहब से मूर्खता वाली सलाह दी कि भाई साहब जो खजुराहो फेस्टिवल भोपाल में करो, तो कहने लगे वो भोपाल फेस्टिवल को आए। तो हमने कहा यहाँ आने में समस्या हो, लोग आउट परेशान हो, क्योंकि हम बड़े स्टार्स के साथ बहुत इंटरेक्शन रहा हमारा, शेखर कपूर जैसे लोगों को। तो उनका जवाब जो तो कि राम प्रताप वो भोपाल फेस्टिवल को आए जो खजुराहो, और खजुराहो को मतलब है कि हमारी बुंदेलखंड का दिल। हमें पहली बार अच्छा लगा। बोले जो कठिनाई होती है वो जीवन में सबके होती हैं। तो पहला जो फेस्टिवल था वो जैसे कि राजा भाई साहब और हमारी सोच में एक ऐसा फ़र्क है, राजा भाई साहब 0 से शुरू करा था, हम 10वीं सीढ़ी से देखा था, तो हमें लगा ठीक है। तो शॉर्ट में ऐसा है कैबो के जब पहला खजुराहो इंटरनेशनल फेस्टिवल हुआ तो बड़े छोटे रूप में हुआ, जैसे कि हर कोई भी बड़ा काम करने की जो शुरुआत होती है वो एक से शुरू होती है। और पहला हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, और हम बम्बई में बोनी कपूर साहब, अनिल कपूर साहब, अनुपम खेर जी के साथ उठना बैठना रहा हमारा। तो वहाँ जब चर्चाएं होने लगीं तब हमें लगा कि राजा भाई साहब महान हैं, और जो ये परंपरा और ये जो डाली गई हमारे यहाँ पर खजुराहो फेस्टिवल, तो इससे सबसे बड़ी तो आत्म शांति ये है कि हम बुंदेलखंड की बात बुंदेलखंड में करेंगे, हम और कहूँ नहीं करें कि कहूँ राजधानी में कि कहीं। तो वो बुंदेली आत्मा एक ही बन गई, पहली बात। दूसरी जा है कि जितने भी कलाकार आते हैं बम्बई से, शायद उनके मन में जा होत हुए कि अरे यार चलो चलें, लेकिन जैसे ही यहाँ आते हैं, हम एक घटना बता दें, चूँकि शेखर कपूर हमारे गुरु रहे हैं, तो शेखर जी से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा राम आर यू श्योर इज इज़ ओके? मैंने कहा सर आप आइए तो सही। तो जैसे होता है कि एक टाइम दिया उन्होंने थोड़ा सा, बोले राम मैं 3 बजे आ जाऊँगा और शाम को हम प्रोग्राम अटेंड करेंगे, उसके बाद लौट जाएंगे। मैंने कहा यस सर, अगली मॉर्निंग शाम को उनको जो यहाँ का हमारा बुंदेली संस्कृति है, उनको पगड़ी बांधी गई, उनको मोर मोटर में बिठाओ, बग्गी में बिठाओ, और जब वे बिल्कुल बचपना आ गया उनको कहने लगे राम हमारी फ़ोटो निकालो, हमारी फ़ोटो निकालो, दिस इज़ लाइक माई मैरिज। तो मैंने कहा वाह, एंड ही वॉज सो हैप्पी। पहली घटना ये घटी, एक तो पगड़ी बांधने में उनको बड़ा आनंद आया, जो बुंदेली हमारी परंपरा है, हमारी शान है, हमारा गौरव है, और यही परंपरा है चली आ रही। तो मैं कह रहा हूँ कि हमें धीरे धीरे वो रिएक्शन मिलने लगे कि अरे बात ये बात। फिर रात का जो कार्यक्रम था उन्होंने देखा हमारी खजुराहो, हमारी बुंदेलखंड की शांत जनता आनंद से सुन रही है। तो उन्होंने कहा राम मैं तो पूरा वर्ल्ड घूमता हूँ यार, सच ए वंडरफुल प्लेस। तो ये सारी जो हमारे गौरव बढ़ाने वाली बातें हैं हमें, राजा भाई साहब को, हमारे सब पूरी हमारे परिवार को, तो उसमें हमें धीरे धीरे ऐसा लगन लगो कि हम बहुत सही दिशा में जा रहे हैं। राजा भाई साहब जो सोचते हैं गजब सोचते हैं। और अगली सुबह जब हम उन्हें सुबह हमने कहा गाड़ी मंगा लें, हम लोग घूमने जाते हैं, हमारी आदत है यहाँ पूरे खजुराहो को सुभुनसारे हम पूरा नाप ले। तो वही में हमें बउआ मिली थी हरबी देवी, तो हम ले गए। तो घूमते घूमते हमने कहा आइए एक चाय पिलाएं, तो हरबी देवी जहाँ से विश्व प्रसिद्ध हुई हैं, ये आत्मसुख, इससे बड़ा आत्मसुख कोई हो नहीं सकता। मैं उन्हीं के बारे में आपसे बात करना चाह रहा था कि अरबी देवी जो क्या नाम, हरबी देवी, हरबी बाई आज खजुराहो की वो पर्सनालिटी बन गई हैं कि उनको, मुझे लगता है खजुराहो नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, इंडिया में जाना जाता है, और स्पेशली कहीं ना कहीं किफ और राम दाऊ साहब, मतलब राम बड़े भाई साहब। तो ये कैसे आपके दिमाग में ये थॉट आया, कैसे आपको लगा कि उनसे मिलना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए, क्या थोड़ा सा कुछ बताएं उनके बारे में आपका? जी बहुत शॉर्ट बात ये है कि हम पहले दिन यहाँ आए तो अर्ली मॉर्निंग आदत है, तो मैं सुबह घूम रहा था तो मैं देखा एक बुजुर्ग महिला जिनके पैर में भी तकलीफ है, जो क्रॉल करती हैं, रेंगती हैं, और उठ के वो अपनी झुपड़िया से, पीपल के नजर झुपड़िया, उसे निकल के बाहर आ रही थी और चाय की व्यवस्था कर रही थी। हमको बहुत अद्भुत लगा, हमने कहा इतनी उम्र घूमत गाँव, हमने फिर बुंदेला के बगुआ राम राम, सुकन लगी राम राम, हमने की चाय मिले, बोली हाओ मिले, दूध आ जान दो, बातें होने लगी। हमने उनको रिकॉर्ड करना शुरू किया, रिकॉर्ड उनसे बातें करने लगे जैसे बुंदेली में उनसे, तो धीरे धीरे उन्होंने अपना सारा इतिहास बताया, कैसे हमारे साथ सन 56 से यहाँ थे, कैसे। मुझे लगा ये तो हम इनको हम अपने युवा साथियों में बताएं कि इतनी जीवट की महिला अगर है तो हम भी जी सकते हैं। और जब शेखर कपूर जी को ले गए, ऐसे हम सारे बोनी कपूर, शेखर कपूर, अखिलेंद्र जी, हाँ सब, राजा मुराद, सब उस दरबार में सबने माथा टेका। तो जब बोनी जी वाली घटना ये रही कि उन्होंने कहा कि राम पहले मंदिर बाद में देखेंगे, पहले हमें उनके उन डोकरों के दर्शन कराओ। चलिए, बड़े बैठे, बड़ी खुशी हुई, उन्होंने कुछ एक चाय के 2000 रुपये दिए और कहने लगे राम, आज पता नहीं क्यों मुझे बहुत संतोष मिल रहा है। हमने कहा बोनीदा यही हम समझते हैं। ऐसे शेखर कपूर जब गए तो बैठ गए, फिर हम लोगों ने फोटो निकाले, चाय पी रहे, बात कर रहे, और शेखर कपूर की जो गहराई है वो उन्होंने अपने ब्लॉग में और इंस्टा पे डाला कि जब एक 100 साल की महिला इतने आनंद से, इतनी तकलीफ़ों के साथ भी अच्छे से जी सकती हैं, कोई शिकायत नहीं दुनिया से, कोई शिकायत नहीं अपने से, तो हम क्यों नहीं जी सकते हैं। ये सोच युवाओं में होनी चाहिए। तो वो एक हमारे मन में वो बात आई, वो धीरे धीरे इतनी प्रसिद्ध हुई कि बोनी जी का BBC लंदन ने इंटरव्यू किया और वो हरबी देवी के तस्वीरें, हरबी देवी के इंसिडेंट्स जो बोनी शेखर कपूर जी ने साझा किए थे, वो पूरी दुनिया में BBC ने देखे। उसके बाद धीरे धीरे ये हुआ कि हर एक्टर जो बम्बई से आए, उनका खजुराहो फेस्टिवल के साथ साथ वो भी अट्रैक्शन था। फिर मैंने कहा कि ये शोषण तो नहीं कर रहा हूँ मैं, तो सभी पैसे दे जाते हैं और ज़रूरत है, तो हमने कार्ड को तुम्हें कितने पैसा हमें कछु नहीं जाने। ये भी एक अद्भुत बात है कि पैसे नहीं चाहिए। तो हमने कि जब चाय काय बनाऊँ, तो उन्होंने कहा हम नाती नंतन पंतन संतन को मनाऊँ। हमें अच्छा लगा। अब हमारे दिमाग में आया कि हमारे एक मित्र ने हमें फ़ोन किया, रवि सरीन साहब जो दिल्ली में सारी शूटिंग कराते हैं हम बॉलीवुड वालों की, तो उन्हें हमारा फ़ोन आया, उनका हमें फ़ोन आया कि बुंदेला जी 51,000 डाल दें। मैं किसके लिए? बोले वो बहू के लिए। अरे मैंने कहा नहीं, मैंने कहा इतनी राशि नहीं, क्योंकि हम लोगों को संतुलन रखना पड़ता है। बोला हमने कहा आप डालिए, लेकिन एक संतुलन। उन्होंने 11,000 रुपये डाले, जो अभी हम मंच पर राजा भाई साहब द्वारा उनका फिर सम्मान करेंगे। वो 11,000 उनकी जो ना बेटी के बेटा की बेटी जो अब 16 साल की, उसकी शादी में दिए जाएंगे। इसी तरह रोहतास गौड़ और फिर तमाम लोगों के फ़ोन आने लगे। तो मैंने कहा 1 by 1। तो ये हमारा एक सोशल जो सामाजिक दायित्व है हमारे खजुराहो फेस्टिवल का, वो पूरा हुआ। तो जो आप हमारी बात कर रहे हैं कि राजा भाई और हम सब ने, आप भी हैं उसमें शामिल, हम सब का एक उद्देश्य है कि ये खजुराहो फेस्टिवल रात का होता है। आमतौर पर जो बड़े फेस्टिवल होते हैं वो रात के होते हैं, दिन में उनके बड़े लोगों की पार्टियाँ होती रहती हैं। लेकिन राजा भाई ने इसमें क्या किया, मेडिकल एड दी, महिला सशक्तिकरण दिया, बच्चों के लिए दिया, आर्मी की फिल्में चली। तो हमारे पास ऐसे कई संस्मरण हैं। कप्तान सिंह सोलंकी साहब, राजपाल साहब आए, जब हमारी उनसे लॉन्च में बात हो रही थी, मैं उनके बारे में बता रहा था, तो उन्होंने इतना बढ़िया भाषण किया कि राजा बुंदेला ने वो कार्य किया कि हम एक ऐड फिल्म देखते हैं कि बच्ची को नाव में उसका पिता ले जा रहा है स्कूल छोड़ने, कहता बेटा हम तो तुम्हाव कर ही लेत, तुम जब बड़ी हो जाओ तो पुल बना दिए। तो बेटी बोलती है हम पुल नहीं बनाएं, हम स्कूल ही तक खोलें गाँव में। ये वो खजुराहो फेस्टिवल है। तो इस तरह की घटनाएँ बनी। फिर अनुपम खेर आए, वो राम मेरे को हरबी से मिलाओ बउआ से, तो अनुपम खेर, जैकी श्रॉफ उनकी गोद में लेटे रहे और हज़ारों लोग हो गए। तो मैंने जैकी श्रॉफ से कहा दादा हमने कहा था कि सवेरे शांति से, बोले नहीं, बोले हमें नहीं पता बिड़ू कौन किधर है, अपन अपनी माँ के पास लेटा। और फिर उन्होंने कान में कहा अपने राजा साहब का फेस्टिवल भी समझ में आना चाहिए, इधर जो लोग आए कि इधर कुछ और भी होता है। तो ये क्या सोच है, इतनी अच्छी सोच है। तो कल शक्ति कपूर जी आए, इतने परेशान हो गए। तो मैं शॉर्ट में ये बताना चाहता हूँ कि जो आता है, चूँकि खजुराहो ऐसे दूर है, सामाजिक तकलीफ़ें हैं, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, लेकिन वो यहाँ आके खुश हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे भगवान मतंगेश्वर ने उनको तुरंत बदल दिया। कल शक्ति कपूर साहब नाराज़ थे, 7 घंटे की ड्राइविंग भोपाल से, और मंच पे आके उन्होंने ऐसे बोला कि मैंने वो लाइव किया फेसबुक पे, तो मैं देख रहा था कि कैसे बदलता है। तो ये परमात्मा की कृपा है और हमारी टीम है जिसमें आप शुरू से जुड़े हैं, आप जैसी बड़ी मेहनती लोग जो इतने ऊर्जावान हैं। तो बस ये चलेगा। और जो आपने भविष्य की बात की, इसका भविष्य ऐसा है कि कभी कैंस फेस्टिवल की टक्कर में होगा, ऐसे हर एक्टर आके बोलता है ऐसा मेरा भी सपना है। और यही होना चाहिए कि यहाँ पे सबको काम मिले, खुशियाँ मिलें, और सामाजिक कॉज भी रहे हैं हमारे यहाँ के लोगों को, गरीबों को, किसानों को, कुछ ना कुछ यहाँ से लेके जाए। दाउसा ईवे कछु आप फिल्में बना रहे, देखवे के लाने मिल रहा हो, कछु कलाकार हैं बुंदेली का है, उनको का है पूरा प्रोजेक्ट, का मतलब है उनको कुछ बताओ। ये सोच यहाँ से शुरू हुई कि चूँकि मैं अभी एक बड़ी फिल्म की तैयारी कर रहा था, तो राजा भाई साहब ने कहा राम इस बार आपको एक और जिम्मेदारी लेने, मैंने कहा बताइए। उन्होंने कहा राम जितने हमारी वर्कशॉप में बच्चे थे, जितना हमने 4-5 साल में किया, उसमें कुछ बच्चे बहुत परफेक्ट हो गए। मैंने कहा वो तो मैं भी देख रहा हूँ, मैं भी करता हूँ। बोले कुछ सरकार की फिल्में हैं जो हम बना के उन्हें देंगे, सरकार के जो योजनाएं हैं उनसे संबंधित। मैंने कहा बताइए। तो उन्होंने कहा एक तो पहली जो है, जो हमारे कंज्यूमर एक्ट जो अभी नया आया है मोदी जी का 2019, उसके लिए किसानों, गांव में लोगों को उसकी जानकारी होनी चाहिए कि आप कोई गलत चीज़ किसी ने आपको बेची तो आपके पास बिल होना चाहिए। तो एक ये फिल्म है। इसी तरह महिला सशक्तिकरण की, इसी तरह बच्चों को बहला फुसला के बड़े शहरों में मजदूरी में और उनको शारीरिक शोषण में लगा दिया था, उस पर फिल्म है। तो इस तरह के अब ये एक सामाजिक कॉज और जुड़ गया इसमें, एक सामाजिक कार्य और। तो ये फिल्म का दिखाई जाए बाद में कि क्या है, मतलब एक फिल्म जो हमने कल तक कंप्लीट होगी वो यहीं दिखाई जाएगी, उसमें हमारे पात्र हैं। और जो 2, 3, 4, 5 ऐसे हैं, उसमें आप जैसे अच्छे कलाकार, आप जैसे बड़े सीनियर कलाकार, वो सब उसमें काम करेंगे ऐसे फिल्म। तो वो उन कलाकारों के लिए भी एक सेवा है, फिल्म तो करते हैं, कमाते हैं लोग, तो वो ये है उसमें। ये थे हमारे भाई, बड़े भाई और डायरेक्टर राम बुंदेला जी। ट्रिपल टीम से बात करने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।